नमस्कार दर्शकों, वी कैन इंस्पायर के इस वीडियो व्यवसाय की व्यवहारिक समझ में आपका स्वागत है। इस वीडियो का उद्देश्य वाणिज्य और प्रबंधन के छात्रों और पहली बार व्यवसाय करने वालों को एक चलते हुए व्यवसाय का चित्रण करना या एक व्यापक नजरिया रखना कठिन होता है। उन्हें इस संबंध में सिर्फ एक धुंधला पिक्चर होगा, जिसे उन्होंने अगल बगल के किराना, सब्जी, आइसक्रीम, दवाई या स्टेशनरी दुकानों में आने जाने के दौरान इकट्ठा किया होगा। कई छात्रों ने अकाउंटेंसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पहली पाठ को प्रारंभ किया होगा इसी धुंधली पिक्चर से तथा उन विक्रेताओं के साथ बातचीत से। वी कैन इंस्पायर का मोटो ज्ञान और अभ्यास की सरल प्रस्तुति के अनुरूप हमने इस वीडियो को वास्तविकता के नजदीक रखने का प्रयास किया है। इस वीडियो को देखने के उपरांत आप दिमागी तौर पर व्यवसाय का गठन कर पाएंगे। दूसरी बात है, व्यवसाय के आंतरिक चलन का वर्णन भी आप कर पाएंगे। और तीसरी बात है, एक वर्तमान व्यवसाय का मोटा मोटी मूल्यांकन आप कर पाएंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए कि आप एक किराना स्टोर या दवाई दुकान या एक स्टेशनरी दुकान के अंदर खड़े हैं। आप कैसे जान पाएंगे कि उस स्टोर में कितना निवेश किया गया है? क्या यह मुमकिन है कि आप प्रत्येक वस्तु को गिनें और उनके क्रय मूल्य द्वारा उनके कुल मान का ज्ञात करें? एक छोटे से व्यवसाय के कुल निवेश को ज्ञात करने के लिए चलिए हम कल्पना करते हैं एक रेडीमेड कपड़े का स्टोर जो युवाओं के लिए सिर्फ शर्ट और जीन्स बेचता हो। हम उसका नाम देंगे आर रेडीमेड गारमेंट्स। अब हम उसके शर्ट्स और जीन्स के मूल्यों का ज्ञात कैसे करें? इसके लिए हम शर्ट्स और जीन्स के नंबर्स यानी उनकी संख्या ज्ञात करेंगे तथा प्रत्येक शर्ट के साइज और जीन्स के साइज का मूल्य ज्ञात करेंगे, उनको गुना करेंगे तथा उनका कुल मूल्य ज्ञात करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस टेबल में किस प्रकार कुल मूल्य शर्ट्स और जीन्स का दिया गया है। तो क्या शर्ट और जीन्स का ही कुल मूल्य स्टोर का कुल निवेश है? नहीं, इसके अलावा उस स्टोर में एक काउंटर टेबल है जिसका मूल्य है 6,000 रुपये, शेल्व्स हैं जिनका मूल्य 8,000 रुपये है, लाइट फिटिंग्स हैं जिनका मूल्य 3,500 रुपये है, वाटर प्यूरिफायर जिनका 7,000 रुपये है और कुछ कुर्सियां हैं जिनका मूल्य 4,500 रुपये है। इन कुल संपत्तियों का मूल्य हो गया 29,000 रुपये। इसके अलावा स्टोर ने 50,000 रुपये का नकद डिपॉजिट रेंटल के लिए लैंडलॉर्ड को दिया है और यह जो स्पेस है, जगह है, यह 15 फीट × 20 फीट का जगह है। यह आवश्यक है कि लैंडलॉर्ड बाद में इस पैसे को लौटा देगा। इसके अलावा स्टोर के पास एक बैंक अकाउंट है जो ICICI बैंक के पास है और उसमें कैश बैलेंस है 11,000 रुपये। दर्शकों, अब हम इस स्टोर के कुल निवेश का ज्ञात कर सकते हैं। इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर 1 में स्टॉक ऑफ शर्ट्स एंड जीन्स है जो 8,26,000 रुपये का है, संपत्तियां यानी प्रॉपर्टीज हैं जो 29,000 रुपये है, रेंटल डिपॉजिट है जो 50,000 रुपये है, बैंक का कैश बैलेंस है जो 11,000 रुपये है और कुल निवेश हुआ 9,16,000। सीरियल नंबर 1 में जो आइटम है उन्हें हम ऑपरेशनल आइटम कहते हैं। ये आइटम्स विक्रय के लिए हैं तथा इनसे ही आय या रेवेन्यू
व्यापार में उत्पन्न या जनरेट होता है। इसके अलावा आइटम नंबर 2 में जो प्रॉपर्टीज हैं, संपत्तियां हैं, उन्हें बेचने के लिए नहीं रखा गया है, इसलिए उन्हें नॉन ऑपरेशनल कहा जाएगा। उन्हें लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। आइटम नंबर 3 यानी रेंटल डिपॉजिट है, यह भी बाद में रिफंडेबल होगा और इसे भी फिक्स्ड एसेट ही कहेंगे। कैश एट बैंक जो है वो ऑपरेशनल आइटम है या करंट एसेट है, क्योंकि उसका प्रयोग फिर से स्टॉक खरीदने या अन्य कार्य के लिए लगाया जाएगा। तो कुल निवेश हुआ 9,16,000 रुपए। दोस्तों चलिए हम व्यापार के रिस्क या जोखिम के में कुछ समझते हैं। दोस्तों हमने एक छोटे से स्टोर का टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल वैल्यू ज्ञात किया। हमने शर्ट्स और जीन्स के बहुत कम साइजेस के बारे में अनुमान लगाया, परंतु उस स्टोर में और भी कई साइजेस रखे जा सकते हैं। प्रत्येक शर्ट या जीन्स बेचने के लिए कस्टमर को कई प्रकार के डिजाइन दिखाने पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि कुल निवेश कितना अधिक बढ़ सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर निर्माता प्रत्येक शर्ट या जीन्स के डिजाइन का एक सीरीज यानी साइज का कई सीरीज एक पैकेट में रखता है। रिटेलर को यह पैकेट ही कंपल्सरिली खरीदना पड़ता है, चाहे वह साइज बिके या न बिके। अब आप यह भी सोचिए कि कितना इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो सकता है और इसकी लागत दुकानदार कैसे रिकवर करेगा, कैसे भरपाई करेगा। तीसरी बात है कि शर्ट्स या जीन्स डैमेज भी हो सकता है बीच बीच में, अब इसकी लागत को भरपाई कैसे हो। इसके अलावा कस्टमर को कैरी बैग दिया जाना है, इसकी भी लागत निकालनी पड़ेगी और इस लागत को कस्टमर से लेना पड़ेगा। कभी कभी दुकानदार कस्टमर को रिफ्रेशमेंट दे सकता है, अब इसकी भी लागत होगी। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे एक छोटे से व्यापार में भी कितने प्रकार के जोखिम होते हैं। चलिए हम याद करते हैं कि अब तक हमने क्या देखा और क्या सीखा। एक ट्रेडिंग व्यवसाय में ऑपरेशनल आइटम्स होते हैं जिनसे व्यवसाय का रेवेन्यू या आय जनरेट होता है, क्योंकि इन आइटम्स को एक मूल्य पर बेचा जाता है, इन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। दूसरी बात है व्यवसाय में नॉन ऑपरेशनल आइटम्स होते हैं जो बेचने के लिए नहीं होता है, इन्हें प्रयोग करने के लिए होता है, इन्हें हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तीसरी बात है कि व्यवसाय आमतौर पर एक बैंक अकाउंट खोलता है जिसमें ऑपरेशनल कैश डिपॉजिट होता है और निकाला भी जाता है, इस कैश बैलेंस को हम करंट एसेट कहते हैं और यह ऑपरेशनल आइटम्स के लिए ही प्रयोग होता है। चौथी बात है कि कुल व्यवसाय का वैल्यू ऑपरेशनल आइटम्स का वैल्यू जोड़ नॉन ऑपरेशनल आइटम्स से ज्ञात होता है। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि एक छोटे से व्यवसाय को किस प्रकार समझा जाए, हम एक मूल समझ पर इस प्रकार आ चुके हैं। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल आइटम्स के बीच अंतर ज्ञात कर सकते हैं? इन अंतर को आप अन्य प्रकार के व्यापार के लिए भी प्रयोग करके देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक रिटेल व्यवसाय को किसी सुनिश्चित समय में अपने विक्रय वस्तुओं में अधिक निवेश क्यों करना पड़ता है जबकि उन सबका विक्रय संभव नहीं है? और तीसरा प्रश्न है, किन परिस्थितियों में कुल निवेश आवश्यकता से अधिक हो सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर द्वारा आप इस वीडियो को भली प्रकार समझ सकते हैं। दर्शकों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप अगर हमें अपना व्यू पॉइंट बता सकें, ओपिनियन बता सकें, हमारे जो मेल आईडी है srknan@gmail.com, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों कृपया वीडियो देखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।